नमस्कार दोस्तों, आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में मैं लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक। इसका शीर्षक है विज्ञप्ति भर बारिश। ये ओम नागर जी ने लिखी, आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करने जा रही हूं दोस्तों। ये काव्य है और ये 17वीं कड़ी है इस कार्यक्रम की। अब पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। ये सजिल्द है, 2015 में ये प्रकाशित हो चुकी है हार्ड बाउंड में। अब पेपरबैक्स में दोबारा निकली है बोधि प्रकाशन से। मूल्य 150 रूपए, पृष्ठ 164। अब मैं बात करती हूँ पुस्तक के बारे में। ये समर्पित की है ओम नागर जी ने अपने मित्रों उमा, राजेंद्र गौड़, कौशल तिवारी, अश्वनी त्रिपाठी जी को, और फ्लैग पर श्री राजेश जोशी, अनामिका जी, ओम निश्चल जी, श्री सवाई सिंह शेखावत और कुमार अनुपम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पुस्तक के बारे में। अब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ओम नागर जी अंता जिला 12 राजस्थान के निवासी हैं। ये कवि हैं, अनुवादक हैं, डायरी लेखक भी हैं। इनकी कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं हिंदी राजस्थानी में। डायरी भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है। अब कृतित्व के बारे में बात करते हैं तो इस पुस्तक में 69 यानी 69 कविताएं सम्मिलित हैं, छोटी बड़ी। कविताओं में पोखर है, तालाब है, खेत, भूख, किसान, गांव, जमीन, संघर्ष, बेमौसम बरसात की बातें हैं। भाषा सरल है, दर्द की लहर का मूर्त रूप मुझे महसूस हुआ इसमें जो कविताओं में उतर आया, और शब्दों ने इस दर्द को बेबसी और लाचारी की सी जुबान दी। अनामिका जी ने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि इनकी ये कविताएं रासो काव्य के महानाद और ढोला मारुआ की मार्मिकता का उत्तर जीवन है। राजस्थान का लोक जीवन यहाँ जातीय स्मृतियों का एक काफिला रचाता हुआ चलता है। श्री ओम नागर जी ने गांव की बदहाली को शहर की कुर्सियों को बदहाली के लिए शहर की कुर्सियों को दोषी ठहराया है। देशज शब्दों के माध्यम से राजस्थान की वास्तविक झांकी दिखाने का प्रयास किया है कवि महोदय ने, ताकि सत्ता के गलियारों में किसान की आत्महत्याओं पर मात्र चर्चा ही न हो, ठोस कार्य हो, समाधान भी गांव को सौंपे जाएं, वे समाधान जिन पर उनका हक बनता है। और इसकी शैली व्यंजना शैली में लिखा है। लक्षणा शब्द शक्तियों का अच्छा सरल प्रयोग किया है इन्होंने। मुक्त छंद की कविताएं चर्चा का विषय बनती हैं। और अब मैं पढ़ती हूँ इनकी पहली कविता है इस शीर्षक की, इसका पिता की वर्णमाला। जी हाँ, तो पिता की वर्णमाला में इन्होंने कहा है, सुनिए इनकी कविता, कि पिता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। पिता नहीं गए कभी स्कूल, जो सीख पाते दुनिया की वर्णमाला। पिता ने कभी नहीं किया काली सलेट पर जोड़ बाकी गुणा भाग। पिता आज भी नहीं उलझना चाहते किसी भी गणितीय आंकड़े में। किसी भी वर्णमाला का कोई अक्षर कभी घर बैठे परेशान नहीं करने आया पिता को। पिता बचपन से बोते आ रहे हैं हल चलाते हुए स्याह धरती की कोख में शब्द बीज। जीवन में कई बार देखी है पिता ने खेत में उगती हुई पंक्तिबद्ध वर्णमाला। पिता की 12 खड़ी आषाढ़ के आगमन से होती है शुरू, चैत्र के चुकतारे के बाद। चंद बोरियों या बंडे में पड़ी रहती है शेष बची हुई वर्णमाला। साल भर इसी वर्णमाला के शब्द बीज भरते आ रहे हैं हमारा पेट। पिता ने कभी नहीं कोई गणित, वरना हर साल यूं ही। पिता ने कभी नहीं बोई गणित, वरना हर साल यूं ही आखा तीज के आसपास। साहूकार को बही पर अंगूठा चस्पाकर अनमने से कभी घर नहीं लौटते पिता। आज भी पिता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही है। मेरी सारी कविताओं के शब्द युग्म नहीं बांध सकते पिता की सादगी। पिता आज भी बो रहे हैं शब्द बीज, पिता आज भी काट रहे हैं वर्णमाला। 12 खड़ी आज भी खड़ी है हाथ बांधे पिता के समक्ष। जी हाँ,
और अब मैं शीर्षक कविता पढ़ती हूँ, विज्ञप्ति भर बारिश। इसमें शीर्षक कविता है यह है, अब आप इसमें दो कविताएं इसी शीर्षक से हैं। पहला सुनिए, यह समय सड़कों पर उतर हाथों से हवा का रुख मोड़ने का समय है और बहुतों के लिए सिर्फ विज्ञप्ति भर बारिश। व्यंजना है इसमें, अपरिचित मौत पर संवेदनाओं से भीग जाता सफेद रंगीन लेटर हेड और सुबह अखबार से लेते दिखते पुष्पांजलि की गंध करते उनके चले जाने के बाद हुई देश की बड़ी क्षति की पड़ताल। विज्ञप्ति का पृष्ठ भर है उनका आक्रोश, काले अक्षर के तीन कॉलम में सिमट जाता उनका रोष, 11 पंक्तियों में उकेरा गया निंदा प्रस्ताव बन जाता क्रांति का उद्घोष, या फिर गढ़ते हैं प्रतिक्रियाओं का तर्क शास्त्र, उन्हें 12 महीने करनी होती विज्ञप्तियों की बारिश। वे विज्ञप्तियों में दहाड़ते समय के विरुद्ध और सड़कों पर मिमियाते समय के साथ जारी है विज्ञप्ति भर बारिश का होना, कीचड़ सनी तरक्की की राहों पर मुठभेड़ का अकाल पड़ा है इन दिनों। तो ये है इनकी कविता ओम जी की। अब इसी का दूसरा भाग देखिए, दूसरी सी शीर्षक से, कि क्या विज्ञप्ति भर बारिश की बदौलत हलक से फिसल जाएगा आक्रोश, सच दुबका खड़ा होगा कहीं, रोज एक विज्ञप्ति जारी करने वाले लोग एक दफा भी हिलाएंगे असहमति में अपना सिर, क्या जंग के मैदान में सरहदों पर बंदूक की जगह हाथों में विज्ञप्तियां लेकर खड़े होंगे वे, या फिर लेटर बॉक्स में निंदा प्रस्ताव पटक सो जाएंगे चैन की नींद, क्या विज्ञप्ति भर बारिश से सचमुच खिल आएंगे चमन में खुशबुओं के फूल, या फिर यूं ही ताउम्र जारी करते रहेंगे विज्ञप्तियां हम पढ़ते रहेंगे संवेदनाओं से भीगा अखबार रोज। तो कैसी लगी आपको? और अब एक है इनकी आखिरी कविता, इसके अंदर चार कविताएं शामिल हैं, गांव की चिट्ठी। मैं आखिरी जो चौथी वाली है चार नंबर वो पढ़ देती हूँ, कि मिट्टी चिट्ठी के लिए। चिट्ठी के लिए चिड़ियाएं तिनकों की तरह दबा लाई होंगी कुछ शब्द, दूर से चोंच में दबा कर लाए शब्दों में अटक आई होगी दूसरे गांव की पीड़ाएं, बैठी होगी जब गांव के मुहाने पर आशंकित कौवे मंडराने लगे होंगे भंवरों की तरह, बमुश्किल कोयल भी तलाशी गई होगी चिट्ठी में चिमटी भर मिठास के लिए, सभ्यता का हवाला दे खेजड़े से उतर आया होगा गिरगिट, बोला होगा दिल्ली गिरगिटों की बस्ती है, अपने समुदाय में शामिल होने की जल्दबाजी कुछ शब्दों को करना चाहता होगा अपदस्त, गिद्ध भी आ ही गए होंगे बच्चे खुचे, इस जन्मजात अयारी को कितना समझ रहा होगा कोई गांव जब लिख रहा होगा शहर के नाम कोई चिट्ठी, कोई परछाई नहीं रही होगी देह की, कोहरे के आगोश में लिपटे होंगे आठों पहर उतरते माघ की मावट में, मावट से दम तोड़ता धनिया रहा होगा शामिल, सरसों से उधार लिया होगा कोई रंग, कई दिनों तक एक टक निहारा होगा आकाश, किसी खेत में नहीं बची होगी जब नमी, मवेशियों के मुंह से निकल रहे होंगे सफेद झाग, तब दिल्ली बना रही होगी बड़े बांध की योजना, आरा मशीन पहले ही खा गई हमारे जंगल, गांव के बाहर खड़ा होगा राजमार्गी अजगर, निरंतर बेसुध गांव को कितना होश रहा होगा आखिर जब लिखी होगी उसने शहर के नाम प्रधानमंत्री के नाम कोई चिट्ठी। तो दोस्तों आपने सुनी इन कविताओं में आपको कैसी आवाज महसूस हो रही है अब आप जान गए होंगे। तो जिन पाठकों को इस तरह की कविताएं पसंद हैं वे बेझिझक इन्हें इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ, धन्यवाद।